करेगा। देखो कल किसको क्या होने वाला है ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं चांस की बात कर रहा हूँ कि जब तक ये रॉड रहेगा तब तक इन्फेक्शन के चांस रहेंगे, तब तक पूरी तरह हो सकता है अभी रुक जाए, फिर 15 दिन 1 महीने बाद फिर से हो सकता है। ठीक है, देखो भगवान न करे आपके आसपास में किसी और को दोबारे हो, लेकिन मैं ऐसे ही पेशेंट्स देखता हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ आप क्या बोल रहे थे? डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया अभी कि मुंह में स्क्रू लगे हुए हैं, रॉड लगी हुई है, वो जो इनको जो फ्लूड जो डिस्चार्ज हो जाए उस वजह से वो इन्फेक्टेड हो रहा है। ओके बोलिए, आप उसको मतलब उसको निकाल दोबारा लगाएंगे, वो सब बाद की बात है। अभी रॉड निकालेंगे तो इन्फेक्शन के परमानेंट हील होने के, ख़त्म होने के अच्छे चांसेस होते हैं। यदि रॉड रहता है तो बार बार होने के चांसेस रहते हैं, अभी ठीक भी हो जाता है तो 15 दिन 1 महीने के बाद फिर से हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। डॉक्टर जैसे मान लो हमें कि रॉड वगैरह निकाल देंगे तो फिर बैठने उठने में दिक्कत? देखो बात यह, सबसे पहले तो इन्फेक्शन ठीक होना चाहिए। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्फेक्शन है। हाँ जी। ठीक है, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहना चाहिए, उसके बाद ही पता चलेगा कि अब इनको सर्जरी से कितना फ़ायदा हुआ और उसके बाद ये कि वापस से रॉड लगाने की ज़रूरत है, उसके बिना ये उठ बैठ चल सकते हैं या नहीं, ये आज के आज में फैसला करना मुश्किल है। डॉक्टर जैसे आपने बताया था कि अगर दोबारा लगाते हैं स्क्रू, दोबारा रॉड लगानी पड़ती है तो अंदर दूर पड़ती है तो उसे दोबारा फिर वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरे फिर हम ऑपरेट करेंगे। देखो जो इंसान के हाथ से जो अच्छा हम कर सकते हैं वो मैं बतला रहा हूँ, दोबारे कब क्या होगा वो तो देखो, यदि किस्मत में बुरा होना लिखा होता है तो कुछ भी हो सकता है। आपकी बात सही है, मैं उसमें मना नहीं कर सकता हूँ, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, किसी की भी किस्मत इतनी बुरी तो नहीं होनी चाहिए, भगवान इतना भी निर्दयी नहीं होता है, लेकिन आपकी बात सही है, टेक्निकली सही है कि हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ जी, मतलब इन्फेक्शन दूर करने के लिए क्या मतलब? इन्फेक्शन दूर करने के लिए रॉड का निकालना ज़रूरी है, वो मेडिसिन तो जो दे सकते हैं वो दे रहे हैं, कल और रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी तो और भी एंटीबायोटिक बढ़ाएंगे, लेकिन जो आगे की बात है वो ये कि रॉड जब तक रहेगा तब तक इन्फेक्शन परमानेंटली हील होने में डाउट है। तो डॉक्टर जैसे लंबर ड्रेन वगैरह लग के जो पानी है कुछ इस तरीके से नहीं? वो ये पानी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है इन्फेक्शन ठीक होना। इन्फेक्शन के पास बन रहा है? पास नहीं बन रहा है, ये तो ब्रेन का पानी है, लेकिन जब घाव भरेगा तभी तो ये बंद होगा ना, जब तक इन्फेक्शन रहेगा घाव भरेगा ही नहीं। देख लो डॉक्टर, हमने तो आपके भरोसे। नहीं नहीं नहीं, इनकी बात सुनो और मैं कह रहा हूँ कि आप अभी निकल के, आप एक मिनट, मैं इसमें ड्रेसिंग लगा दे रहा हूँ, आप तब तक विचार कीजिए फिर बात करते हैं। ठीक है, ये ड्रेसिंग करना ज़्यादा जरूरी है ना, हो गया, मैं आपको सिर्फ दिखलाना चाह रहा था कि ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं निकल रहा है। मतलब डॉक्टर साहब आपके मतलब आप मतलब पूरी तरह विश्वास के साथ कह सकते हैं आप कि ठीक हो जाएंगे? आप इसका कौन सा जवाब सुनना पसंद करेंगे? मैं यदि कहूं कि नहीं ठीक होंगे तो आप बताएंगे, रास्ता क्या है इसका? रास्ता है नहीं ठीक होने के लिए, नहीं ठीक होने से बचने के लिए जो रास्ता है वही तो मैं बतला रहा हूं ना, ठीक हो उसी का रास्ता बतला रहा हूं। अब आप मेरे से मेरे विश्वास के बारे में पूछेंगे कि मैं आपके कंडीशन में रोज खड़ा होता हूँ, मैं आपके कंडीशन में रोज कराता हूँ, डॉक्टर बनने से पहले मैं भी इंसान था। ठीक है, रोज खड़ा होकर देखता हूँ कि कैसा लगता है। ठीक है, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको इस तरह का, आप ही बताओ ना, आप घर में आग लगी हो और फायर ब्रिगेड वाला आता है और उससे पूछोगे कि जी बुझा दोगे इसको, तो वो क्या बोलेगा? आप क्या सुनना चाहते हैं? बुझा देंगे? यदि बोलेगा ना जी ना बुझेगा तो क्या करोगे? क्या डॉक्टर मेरी बात को? ठीक है, आप प्लीज ये सब बहस चलता रहेगा जिंदगी भर, थोड़ा वेट करो, पहले ड्रेसिंग करने दो।